दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोमिता शाह फिर से आपके पास एक प्यारा प्यारा कलेक्शन लेके आई हूँ। वैसे आप मेरे बैकग्राउंड में जो चीजें हैं वो आप देख के तो बता सकते हैं कि आज का कलेक्शन किसमें स्पेशलाइज रहेगा, लेकिन ये सारा कलेक्शन कहाँ चलता है वो भी आज मैं वीडियोस के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा, वीडियोस को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो आज का जो कलेक्शन रहेगा वो रेडीमेड डिजाइनर कुर्तीज के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहली कुर्ती आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है। कलर की बात करें तो एवरग्रीन कलर है, कभी भी फेल नहीं होता और रिमूवेबल बोले आप देख सकते हैं, ऐसे करके रिमूव भी कर सकते हैं। किसी को इस तरह से कस्टमर्स को बेचना है तो आप बता सकते हो कि भाई स्लीवलेस पहनना है तो स्लीवलेस पहनिए, साथ में एक बेल्ट लगाइए तो वेस्टर्न लुक हो गया, इंडियन लुक लगाना है तो साथ में कोटी लगा दीजिए। बट बेचना आना चाहिए, पॉइंट इज दैट प्रमोशन एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में। अगर आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपने प्रमोशन नहीं किया, आपने एडवर्टाइजिंग नहीं की, व्हाट्सएप में आप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को बताया नहीं कि भाई आपकी दुकान चल रही है या आपकी दुकान कहाँ है, भले सालों सालों से आपकी दुकान है फिर भी अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी बंद कर दी तो भाई दुकान कब बंद करनी पड़ जाए ना, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कलेक्शन तो बढ़िया रखिए, साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट भी करिए। व्हाट्सएप पे शेयर करती रहिए, पैम्पलेट्स बांटती रहिए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाती रहिए। बहुत सारे तरीके हैं एडवर्टाइजिंग करने के और अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के, क्योंकि जब तक कस्टमर्स नहीं बढ़ाओगे, कंज्यूमर्स नहीं बढ़ाओगे, तब तक बिजनेस ग्रो कैसे करेगा। बिजनेस ग्रो करने का सबसे पहला मंत्र है भाई कि आप एडवर्टाइजिंग शुरू कर दो। जैसे कि हम केसर टेक्सटाइल कंपनी वाले 47 ईयर्स से हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कस्टमर्स नहीं है भाई, हमारे पास भी बढ़िया से बढ़िया कस्टमर्स है, जो होलसेलर्स है जो हमारे पास से लिए जाते हैं, रिटेलर्स है जो हमारे पास से रेगुलर बेसिस पे लेके जाते हैं। फिर भी हम यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग देशों में पहुंचते हैं, अलग अलग लोगों के साथ बिजनेस करते हैं। आज जो KTC का परिवार 25,000 का था वो 35,000 प्लस कस्टमर्स का हो चुका है। आप सोच सकते हो 10,000 कस्टमर्स एड ऑन हो चुके हैं हमारे साथ। उसका रीजन है मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मोड ऑफ प्लेइंग जो हम यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं। मैं सारा क्रेडिट हमें नहीं लूंगी क्योंकि क्रेडिट ऑफ कोर्स हमारे केसर टेक्सटाइल कंपनी के डिजाइंस और रेट को जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रेट में इतनी प्यारी प्यारी डिजाइंस आपको पूरे सूरत में कहीं नहीं मिलने वाला। सूरत में जैसे डुमस बीच फेमस है ना, उसी तरह से भाई KTC भी फेमस है। आपने सुना होगा डुमस बीच, वहाँ के भजियों के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। जिस तरह से सूरत में आप अगर पूछोगे कहाँ घूमना चाहिए, कोई भी सबसे पहला शब्द ये बोलेगा भाई डुमस बीच जाना। उसी तरह से अगर किसी को पूछोगे कि भाई कपड़ा कहाँ से लेना चाहिए तो सबसे पहला नाम आपके पास यही आने वाला है KTC का, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर्स हैं और एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग रेट में, फैक्ट्री रेट में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। एक से बढ़िया एक डिज़ाइन है, आप देखते जाइएगा, जो मैं बोल रही हूँ वो भी सुनते जाइएगा, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको हर वीडियोस के माध्यम से देती हूँ। ये देखिए चिकनकारी वर्क में ये पूरा है। चिकनकारी में अब आपने लॉन्ग ड्रेसेस तो बहुत देख लिया, इस टाइप की शॉर्ट चीजें चिकनकारी में आपने कहीं पे नहीं देखे होंगे। ये चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज्यादा धूम मचा के इसके रिपीट पे रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं। काफी बार आप सोचते होंगे कि मैडम रिपीट कलेक्शंस दिखाती है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो सेक्शन है यहाँ पे कलेक्शंस कुछ रिपीट रहते हैं और कुछ कुछ न्यू रोज रोज चेंज होते रहते हैं। तो आपको मैं रैंडम कलेक्शंस दिखाती हूँ। रिपीट कलेक्शंस इसीलिए रखते हैं क्योंकि कुछ डिजाइन ऐसी होती है ना जो सदाबहार होती है, मतलब 6 महीने से रखी पड़ी है लेकिन हर महीने उसके ऑर्डर्स आते हैं, हर रोज वो चीज़ें बिकती है, तो उन चीज़ों को तो हटा नहीं सकते भाई, क्योंकि अगर उसके थ्रू लक्ष्मी जी आ रही है तो उसको कैसे हटाएंगे, आप ही बोलिए। अगर आपकी दुकान में भी कोई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो आप नए डिज़ाइन के चक्कर में उसको हटाओगे थोड़ी ना, इनफैक्ट उसको तो रखोगे ही, साथ ही साथ नए डिज़ाइन का भी स्टॉक करोगे, क्योंकि एक बिजनेस में जो पुराने कस्टमर्स होते हैं वो तो आते ही है, साथ ही साथ रिपीट कस्टमर्स भी आते हैं और साथ ही साथ न्यू कस्टमर्स भी बहुत जुड़ते हैं। आज आपने मैन्युफैक्चरिंग रेट में सही चीज रखी है तो डेफिनेटली अगर मैंने आपकी दुकान से खरीदा और कम दाम में इतनी बढ़िया चीज मिली तो माउथ पब्लिसिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के दिन, अगर मैंने अपने दोस्तों को जाके बता दिया भाई ये चीज जो मैंने पहनी है वो मैंने इस दुकान से ली थी, तो फिर बात ही अलग हो गई, तो 4 मेरे और दोस्त इस दुकान में आपकी दुकान में खरीदने आएंगे। यही होता है माउथ पब्लिसिटी की ताकत। आपको पता है मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग की ताकत आजकल क्या है, सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ लोगों को पहुँचा देता है भाई, तो यूज़ कीजिए सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, सोशल मीडिया के थ्रू केसर टेक्सटाइल कंपनी को ढूंढना है, गूगल पे जाइए सारी चीज़ें मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए एड्रेस मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। यूज़ कीजिए, फ़ोन का यूज़ कीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, कॉल लगाइए,
कोई भी कुर्ती आपको पसंद आती है उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और उसका प्राइस मंगाइए। अपने बिजनेस को डेवलप कीजिए, हमारे साथ जुड़ के हम आपको आगे का पूरा सपोर्ट करेंगे। तो बताइएगा आज का कलेक्शन कैसा लगा। फिर से मिलते हैं खूबसूरत से वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना, क्योंकि भाई एडवर्टाइजिंग हम करते हैं तो हमें भी तो प्रमोशन की नीड होती है ना। तो फिर से मिलते हैं खूबसूरत से वीडियो के साथ। बाय बाय।